हाँ तो गाइज आप लोग देख रहे हैं आज की मैं आप लोग को ये ट्रैक्टर दिखाना चाहता हूँ। ये हम लोग की कैसी ट्रैक्टर है, देखिए हम लोग की ये एस्कॉर्ट 335 DB है। देखिए इसकी हालत कैसी है, बहुत लोग सिखाएंगे ट्रैक्टर चलाना। देखिए बहुत अच्छा ड्राइविंग करते हैं ये। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये खेत है और ये ट्रैक्टर का गियर है, ये ट्रैक्टर का लो गियर है, ये ट्रैक्टर का क्लच है और ये ट्रैक्टर का ब्रेक है। ये ट्रैक्टर में डबल ब्रेक होता है, दोनों अलग अलग साइड के ब्रेक होते हैं। ये जुताई में काम आते हैं, जब आपको ट्रैक्टर को मुड़ाना हो अचानक से तो आप ये ब्रेक का भी यूज कर सकते हैं। और ये है इसका हाथ का एक्सीलेटर, इसको आप हाथ से भी RPM बढ़ा सकते हैं और इस चीज से ट्रैक्टर बंद होती है और इससे स्टार्ट होती है। और जैसा आप देख पा रहे हैं ये ट्रैक्टर का कल्टीवेटर, ये पीछे कल्टीवेटर, इसको कल्टीवेटर कहते हैं। इसको उठाने के लिए हमें यहाँ से करना पड़ता है, अगर हम इसको आगे करेंगे तो नीचे होगा और पीछे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा स्टार्ट करने के बाद। देखिए सबसे पहले हम ट्रैक्टर को देखेंगे, न्यूट्रल है, ये ऐसे पूरा हिलेगा अगर ये, तो इसका मतलब ट्रैक्टर न्यूट्रल है और इससे हम ट्रैक्टर स्टार्ट करेंगे। ये हमारी ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुकी है, अब हम क्लच दबाएंगे और ट्रैक्टर को पहले लो गियर में डालेंगे। जोताई में ज्यादातर लो गियर का यूज किया जाता है क्योंकि स्कॉट 335 में 3 गियर ही है, इसलिए लो गियर के बाद हम 3 नंबर लगाएंगे और ये हाथ से RPM बढ़ाएंगे। अब जैसे हाथ से ये RPM बढ़ चुका है, अब ये हाथ से हम लोग RPM बढ़ा चुके हैं इसका, अब हम धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे। पहले तो हम न्यूट्रल करके कल्टीवेटर, देखिए कल्टीवेटर हमारा उठ चुका है, इसको हम पीछे किए हैं, कल्टीवेटर हमारा उठ चुका है। अब हम ट्रैक्टर को खेत में ले जाएंगे पहले। पहले इस टाइप से ऐसे आते हुए ऐसे ऐसे राउंड मारी थी जाकर, ठीक, अब एक वो ऐसे ऐसे राउंड मारेगी, ऐसे गोले गोले में। देखिए दोस्तों अब ये हो चुका है जुताई, ये खेत पहले कैसा था अब कैसा हो गया,
इसको दो बार हम लोगों ने जोताई की है। उधर गाय थी इस वजह से मैंने उधर कोने में नहीं किया। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कीप मी सपोर्ट, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।